तू मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूर्ण अधिकार है। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। विभीषण, शत्रु को श्री लगाकर सम्मेलन न करो। वे पुरुष अपनी आन और शान के साथ जीता है। अरे हमारी राक्षस जाति सबसे उत्तम है, और किसी मानव को उत्तम जाति का आदर का साहस हो उससे पहले उसका हाथ काट देंगे। देश भर में लॉकडाउन के चलते जनता की मांग को देखते हुए दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण किया गया, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया और सबसे ज्यादा पॉपुलर शो बना दिया। लोगों ने राम के किरदार में अरुण गोविल, सीता के रोल में दीपिका चिखलिया, लक्ष्मण के किरदार में सुनील लहरी और रावण के किरदार में अरविंद त्रिवेदी को खूब पसंद किया। मेरा जन्म हुआ इंदौर में, मध्य प्रदेश में। छोटा सा परिवार था, हमारे पिताजी मिल के मैनेजर थे। प्रारंभिक हमारा अभ्यास थोड़ा इंदौर में रहा, बाद में उज्जैन आए, मध्य प्रदेश में आए। हम रोज देखने जाते रामलीला। तब से क्या पता ईश्वर ने, भगवान राम जी ने वहीं से ये रामलीला का बोझ अंदर डाल दिया था। जब तक रामायण का प्रसारण होता रहा, ये सभी एक्टर एक्ट्रेसेस भी सोशल मीडिया पर काफी छाए रहे। लेकिन इसी बीच कलाकारों की कास्टिंग को लेकर भी कई सारे खुलासे होते हुए नजर आए। खबर है कि अरविंद त्रिवेदी रावण के किरदार के लिए पहली पसंद नहीं थे, इसके लिए अमरीश पुरी को पसंद किया जा रहा था। अमरीश पुरी ही रामानंद सागर की रामायण में रावण का किरदार निभाने जा रहे थे। अरविंद त्रिवेदी ने साफ किया कि रावण के किरदार के लिए अमरीश पुरी ने ऑडिशन भी दिया था और अरुण गोविल के साथ अन्य कास्ट मेंबर्स को वह पसंद भी आए थे। जब अरविंद त्रिवेदी को पता चला कि रामानंद सागर रामायण के लिए ऑडिशन ले रहे हैं, तो वे गुजरात से मुंबई आए। उन्हें केवट का किरदार मिलने की उम्मीद थी। इसके बाद रामानंद सागर ने उनसे स्क्रिप्ट पढ़ने को कहा। जब अरविंद त्रिवेदी ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो रामानंद सागर ने कहा कि उन्हें अरविंद में लंकेश का किरदार मिल गया है। अरविंद त्रिवेदी ने बताया कि रावण का किरदार उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उनमें कैरेक्टर को अपने अंदर खींचने का गुण पता था। इसके बाद अमरीश पुरी के बजाय रावण के किरदार के लिए अरविंद त्रिवेदी को फाइनल किया गया। तो 100-200 आज रावण तैयार होकर बैठे हुए थे पूरे ड्रेस के अंदर। आप भी पहन लो, ये डायलॉग है याद कर लो, आप दे दिए मेरे को उसके असिस्टेंट ने। यार इतने 200-300 रावण बैठे हुए हैं, मैं क्या, मेरे बच्चा लग रहा था सबके अंदर, रियल मूछे वाले आए, बड़ी बड़ी आँखें, आखिर मैं बचा। डायलॉग याद कर लिया था मैंने, तो पता नहीं कौन सा डायलॉग था। ड्रेस पहन के मेकअप करा के बैठा, बोला अरे अरे बोला, जैसे दूर से आते मुझे देखा ना चलते चलते, सर देख के खुश, बस मेरा रावण फिक्स हो गया। मैंने बोला यार ये क्या बात है, ये मुझे जानते तुम एक्टिंग तो अच्छी करते हो, ये ड्रेस में कैसे लगते हो, तुम्हारी चाल कैसी है, तुम्हारी आँखें भाव कैसा है, वो देखना था। देख लिया, यू आर माई रावण, यू आर माई लंकेश, तुम्हारी फिल्में मैंने बहुत देखी, मुझे देखी है, आँख में भक्ति है, मुझे भक्ति वाला रावण चाहिए, शक्ति वाला रावण नहीं चाहिए। रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। बोलिए श्रीवर रामचंद्र भगवान की।